खरगोन बोल और सड़क नहीं तो मतदान का करेंगे बहिष्कार। खरगोन जिले के आदिवासी अंचल से कुछ गांवों के सैकड़ों लोग रैली बनाकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पुल और सड़क की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि समय रहते समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो मतदान का बहिष्कार करेंगे। वहीं विधायक या सांसद को गांवों में घुसने नहीं देंगे, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। रैली के दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने मोदी और शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर आक्रोश जताया। ग्रामीणों का कहना था कि बरसों बीत जाने पर भी सड़क और पुल की समस्या बनी हुई है और माननीय शिवराज सिंह के आश्वासन के बाद भी समस्या जस की तस है। एबी न्यूज कास्ट से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया जा रहा है हमारे गांव से। अरे इधर बोल। श्रीमान कलेक्टर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासक भोपाल, श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला खरगोन मध्य प्रदेश, ग्राम वडे एवं गोपालपुरा के बीच पुल निर्माण बाबत, यह पुल कुंदा नदी पर बनाने बाबत, ग्राम गोपालपुरा से कड़वा पानी तक पक्का रोड निर्माण कराने बाबत। लेकर आए हैं जैसे गांव में रोड और पुलिया नहीं बन रहा है, जैसे गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान जननी सुरक्षा नहीं आती है तो उसको बुलाते हैं तो रोड व नदी तक जाती है, फिर मजबूर होकर जो मोटर ट्रैक्टर के जो ट्यूब आते हैं उनको उसको बांध के नदी पार करके वहां तक लाते हैं वाहन तक, ये समस्या। और इस बार ऐसा आ गया है कि अभी जो जब तक पुल और रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे, पूरे गांव वाले नेताओं का भी नेता वहाँ पर कुछ नहीं देंगे। ऐसे कितने गांव परेशान हो रहे हैं इसमें? इसमें 6 गांव परेशान हो रहे हैं। कौन कौन से? कड़वा पानी, वैडिया, पीलिया पानी, नीम घाटी, राजमली, ये रुजड़ा, ये 5-6 गांव कड़वा पानी, 6 पंचायत के लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। कब से परेशान हो रहे हैं? ये जब से गांव पर, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी जब पीपल जमा में रात्रि विश्राम हुआ था, जो जब ये ज्ञापन लेके गए थे तो आश्वासन दिया था कि आपका क्या पुल नहीं बना, अभी तक नहीं बना है। जब फिर वो गए, फिर पूरा मखनल जो अब क्या करने जा रहे हो, जैसे आपका पुल